नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष शुरू हुआ था, तब से दुनिया भर के मुस्लिम लोग हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है और इजराइल कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में आम लोगों को निशाना बना रहा है, जिसके कारण से ना सिर्फ फिलिस्तीन के लोग प्रभावित हो रहे हैं बल्कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों ने कभी भी किसी मुस्लिम देश के मुंह से ये शब्द नहीं सुना होगा कि जो फिलिस्तीन ने किया था वो अपने आप में पूरी तरह से गलत और बेकार था। दोस्तों, आज ईरान के प्रमुख ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बेकार और बेहुदा माना जाता है, और ये बयान आप लोगों को ये चीज पूरी तरह से सिखा देगा कि इस्लामिक देशों के लिए इंसानियत कभी भी मायने नहीं रखती। वो इंसानियत के पहलू को कभी भी नहीं समझते। उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और जिहाद ही सबसे प्रमुख हथियार माना जाता है। दोस्तों, अभी ईरान के प्रमुख ने इस बात को कहा है कि इजराइल के अंदर कितने लोग मारे गए, इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ, वहां पर महिलाओं के साथ क्या हुआ, वो इस चीज से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये बयान कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि जब दूसरे के लोग मारे जाते हैं तब इंसान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंसान के ऊपर वही चीज बीतती है तो वो दुनिया भर में चीख चीख करके ये बात कहने लगता है कि उसके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब वो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं तब उस अत्याचार को पूरी तरह से भूल जाते हैं। दोस्तों, ईरान के प्रमुख खमेनी ने कहीं ना कहीं अपने बयान से ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि इजराइल के अंदर जो लोग मारे गए उनसे उनका कोई भी सरोकार नहीं है। इजराइल के अंदर जो बच्चे मारे गए उनसे उनका कोई भी सरोकार नहीं है। हमास के आतंकवादियों ने जिन महिलाओं का अपहरण किया और साथ ही साथ जिनका बलात्कार और जिनके साथ ना जाने जघन्य अपराध किए, वो खमेनी की नजर में पूरी तरह से सही है। दोस्तों, आप सब लोगों को ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि आज के युग में कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि इस्लामिक देश कभी भी दूसरे देश का भला नहीं सोच सकते और वो कभी भी इस्लाम से हट करके इंसानियत की बात नहीं कर सकते। नहीं तो दुनिया के अंदर ना जाने कितने मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मुस्लिम देश पूरी तरह से हमास और फिलिस्तीन की मुखालफत में खड़ा नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।